जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। पंच परमेष्टी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवान की, आचार्य कुंड कुंड भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, दो भिखारी होते हैं दुनिया में, अनेक प्रकार के भिखारी होते हैं। कोई कुछ भीख मांगता है, कोई किसी का भीख मांगता है, कोई किसी का भीख मांगता है, कोई मान सम्मान का भीख मांगता है, कोई धन का भीख मांगता है, कोई भोजन का भीख मांगता है, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन दो भिखारी आपस में परस्पर में बहुत ही प्रेम है, वात्सल्य और विश्वास है, और इतने आत्मीयता, वर्षों से एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ भीख मांगते थे, और शाम को लौट करके आकर के नगर के मुख्य मार्ग से किनारे जो प्लेटफॉर्म रहता था उस पर सो जाते थे। इस प्रकार उनका वर्षों की यात्रा चल रही थी, दिनचर्या चल रही थी, और चलते चलते समय निकलता जा रहा था, और वह कभी एक दूसरे को दुख नहीं होने देते। एक के पैर में कांटा करता तो दूसरों के आंखों में आंसू आ जाता, और एक बीमार पड़ जाता तो दूसरा तड़पने लगता है। बंधुओं, इस प्रकार की आत्मीयता और एक दूसरे के सुख और संकट में साथ देने की भावना, इस प्रकार के भावों के साथ अविरत आगे बढ़ते जा रहे हैं दोनों भिखारी। उनकी जीवनचर्या चल रही है, दिनचर्या चल रही है, उनकी यात्रा चल रही है, और चलते चलते समय निकलते शाम के समय में आकर के बैठ जाते हैं, और बैठ करके फिर चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। एक दिन चर्चा के दौरान कि शाम के समय में आकर के बैठ करके चर्चा प्रारंभ कर दिया, और आपस में चर्चा करते करते एक भिखारी ने कह दिया कि क्यों ना हो, आज सब लोग अपने 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 दिनचर्या में बदलाव ला रहे हैं, अपने अपने आचार विचार में बदलाव ला रहे हैं, और हम भी क्यों ना हो हमारे अपने काम में भी बदलाव क्यों ना ला। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि कल से हम दोनों एक साथ भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, और एक ही तरफ भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ऐसा न करके हो सके तो ऐसा अच्छा रहेगा, एक पूर्व दिशा में भीख मांगने के लिए चले जाए और एक पश्चिम दिशा में भीख मांगने के लिए चले जाए तो अच्छा रहेगा, और दोनों को भीख भी अधिक मिलेगी और आनंद भी आएगा, तय तो हो जाता है कि हो जाए। इस प्रकार करके देख लेते हैं कैसा क्या आनंद आता है। लेकिन दूसरे दिन उठ करके, सुबह उठ करके एक दूसरे गले लगा लेते हैं, और दोस्तों अपने अपने दिशा में भीख मांगने के लिए चलने के लिए बोल देते हैं, देखो हमने कल रात में तय कर लिया है, हमें एक को पूर्व दिशा में जाना है, एक को पश्चिम दिशा में जाना है, ताकि भीख भी अच्छे से मिल सके। लेकिन दोनों के आंखें डब डबरा थे, पहली बार दोनों अलग हो रहे थे, और उन्हें कह दिया कोई बात नहीं, शाम को यहीं पर आकर के मिलेंगे। इस प्रकार चर्चा करके दोनों निकल जाते हैं, और दिन भर भीख मांग करके खा पी करके लौट करके शाम को उसी स्थान पर जब पहुंच जाते हैं, पहुंचने के पश्चात पुनः आपस में चर्चा होती, खुशी से गले लगा लेते हैं, झूम उठते हैं, और उठने के बाद एक दूसरे गले लग करके बैठ जाते और पूछते तुम कैसा रहा, तुम्हारे दिनचर्या कैसी रही, तुम्हारा दिन कैसा निकला। वो कहता तुम्हारा दिन कैसा निकला, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। दोनों ने कह दिया कोई कष्ट नहीं, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। बैठ करके चर्चा शुरू हो जाती है, उनने पूछा आज तुमने कितने कमाया, उन्हें पूछा आज तुमने कितने कमाया। एक भिखारी ने बोला आज मैंने बहुत कमाई हुई, और मैंने दिन भर भोजन किया, अनेक प्रकार की खान पान का सेवन के करने के बाद भी मेरे पास 200 रुपए बचे हैं। उन्हें कह दिया तुम्हारे पास 200 रुपए बचे। हाँ, उन्हें कहा मेरे पास 200 रुपए बचे हैं। और दूसरे भिखारी से पूछा जाता तुम्हारे पास क्या बचा, तुमने कितने कमाया। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैंने दिन भर भोजन किया और पेय पदार्थ का सेवन किया, इसके पश्चात मेरे पास सिर्फ 20 रुपए बचे हुए थे। मैं उन 20 रुपयों का क्या किया। उन्होंने कहा मैं इन 20 रुपयों का कि 10-10 रुपए के दो लॉटरी टिकट खरीद लिया, अब मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं है,
चर्चा तो हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। दोनों सोने के बाद कि जिनके पास जेब में कुछ भी नहीं था वह निश्चिंत था, वह शांति के साथ सो जाता है। जिस प्रकार संत के पास कोई परिग्रह नहीं रहते हैं, कोई संपत्ति नहीं होती है, उनको कोई चिंता नहीं सताती है, वह निश्चिंत होकर के शांति से सो जाते हैं। सत्य की शैया पर स्वात्मा में गहरी नींद में सोते चले जाते हैं। इसी प्रकार वह व्यक्ति, उनके पास संपत्ति नहीं थी, उनको कोई चिंता नहीं थी, और वह शांति से सो जाता है। एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद भी जिनके जेब में 200 रुपए थे उनको चैन नहीं पड़ती है, वह बेचैन होता चला जाता है, करवटें बदलता चला जाता है, जब नींद नहीं आती है अंततः वह उठ के बैठ जाता है और साथ में सो रहे साथी को भी जगा देता है और उठ करके बैठ जाता है। वह सोचता है क्या हो गया, कोई पुलिस तो नहीं आई, कोई चोर तो नहीं आया, तुमने हमें क्यों जगाया। उसने कहा कोई पुलिस नहीं है, कोई चोर नहीं है, थोड़ा सा काम है, मेरे को थोड़ा सा चर्चा करना है। क्या करना है बोलो। वो ऐसे नींद में था और उन्हें आंखों को मलते हुए उन्होंने पूछा कि ये बता दो, तुम्हारे लिए आपने जो 10 रुपए 20 रुपए बचे थे, 10-10 रुपए के तुमने 2 लॉटरी टिकट खरीद लिया है, यदि उस लॉटरी टिकट के माध्यम से यदि तुम्हारे लिए मारुति कार लग जाएगी तो तुम क्या करोगे पहले बोलो। 200 रुपए जिनके जेब में, उनको चिंता लगी। उन्होंने बोला यदि तुम्हारे लिए मारुति कार लग जाएगी इन लॉटरी टिकट के माध्यम से तुम क्या करोगे बोलो। उस समय वो नींद में तो था, आंखों के मलते हुए वो कह देता है यदि मेरे लिए इन लॉटरी टिकट के माध्यम से मारुति कार लग जाती है तो मैं उस मारुति कार में बैठ करके कल से भीख मांगना प्रारंभ कर दूंगा। हमारी स्थिति क्या हो गई, हम हंस रहे हैं। हमको ऐसे ऐसे मारुति कार लगी है लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको भी इसके लिए उपयोग कर रहे हैं, विषयों की भीख मांग रहे हैं हम लोग, कषायों की भीख मांग रहे हैं हम लोग। हमारे लिए यह धरोहर अजनाथ मंदिर या अतिथि भवन, ऐसे ऐसे मंदिर, ऐसे बड़े मंदिर, ऐसे छोटे मंदिर, ऐसे भव्य प्रतिमाएं, ऐसे वीरताएं, ये सब कुछ धरोहर, ऐसे विद्वानों का समागम और साधु संतों का समागम और जैन कुल सब कुछ मिलने के बाद भी मनुष्य पर्याय रूपी मारुति कार लगी है लेकिन यह मनुष्य सिर्फ विचार कसाई की भीख मांगता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। थोड़ा सा विचार करेंगे बंधु, हम कर क्या रहे, क्या हो रहा और क्या होगा। निश्चित बात है, अभी पात्रों की बात चल रही थी, पात्र वही बन सकता है, मैं पंडित जी से कहना चाहूंगा पात्र वही बन सकता है जो मुक्ति का पात्र होता है। पात्र वही बन सकता है जो मुक्ति का पात्र बनता होता है। हर व्यक्ति पात्र नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति के सौभाग्य में नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति धर्म कर ले, तन का मन का धन का सदुपयोग धर्म के लिए करे, समय का सदुपयोग धर्म के लिए करे, यह संभव नहीं है। स्वार्थ संकीर्णता ईर्ष्या राग द्वेष में तो हम लगा सकते हैं लेकिन धर्म के लिए लगाना बहुत कठिन होता है। पुण्यात्मा ही पात्र बन सकता है और पात्र बनने के लिए सोच की आवश्यकता होती है। वह पात्र बनता मात्र पात्र ही नहीं रहता, 7 दिन तक 10 दिन तक जो विवरण होता है वह उसमें हो जाता है। उनको लगने लगता है मैं वास्तव में सौधर्म इंद्र ही हूं, ये संस्कार वो ले जाना चाहता है। और सौधर्म इंद्र क्या होता है और भगवानों का दर्शन क्या होता है, इसका कुबेर क्या होता है, वह कैसे बनता है और उनको कितना आनंद आता है, इसका अनुभव पात्र बन करके एहसास करता है। लेकिन हर व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति को यह सौभाग्य नहीं मिल सकता। पात्र वही बन सकता है जो मुक्ति का पात्र होता है। बंधुओं, आप मुक्ति के पात्र है क्या नहीं है, आप अपने परिचय दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, वास्तव में कि पंडित जी आपको उत्साहित करते रहते, प्रोत्साहित करते रहते, तुम ये कर लो। लेकिन याद रखना कि उत्साहित करने के बाद भी हम लोगों में भाव नहीं जागते हैं तो आश्चर्य लगता है। इसे मालूम पड़ता है कि कभी कभी आश्चर्य लगता है। मैं यही कहना आप लोगों के लिए, धर्म क्या होता है, धर्म कुंटा कसाय और कसक से ऊपर उठा देता है, धर्म इनको दुष्ट कर देता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा।